दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ हम जो आज वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द ट्वेंटी ट्वेंटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है जिसका नाम है वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड जिसको लिखने वाले हैं अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ट्वेंटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर गैब्रियल गैब्रज ने ये वर्क लिखा है ये वो राइटर जिनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला है 1982 में और ये अपनी टेक्निक मैजिकल रियलिज्म की बेस पे काफ़ी ज्यादा फेमस है एनि हमारे राइटर कौन थे कहाँ से बिलोंग करते थे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स इनके इम्पोर्टेंट थीम्स इन सब को हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगी कि आप ये रिस्पेक्टिव लेक्चर सुनने से पहले वह लेक्चर सुन लें ताकि आपको इस नोवेल के राइटर के बारे में पता हो और मैंने उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताएं जो कि हमारे रिस्पेक्टिव नोवेल से लिंक्ड है तो आपको वो पॉइंट्स भी क्लियर हो और अगर आप वो लेक्चर सुन लेते हैं तो आपको ये नॉवल अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी होगी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वहाँ पर आप क्लिक करके उस लेक्चर को अप्रोच कर सकते हैं तो एनी हाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट जो हमारे आज का लेक्चर हम करते हैं शुरू और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस नोवेल के क्रिटिकल समरे को डिस्कस करने वाले हैं जब हम समरी डिस्कस कर रहे होंगे साथ ही हम लोग को करैक्टर भी क्लियर हो जाएंगे इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा साथ ही इसके जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस नोवेल के वो इस लेक्चर के अंदर हमारे इन कवर हो जाएंगे तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलीटूड फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज के राइटर को ये नोवेल लिखने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली अब राइटर के ग्रैंड पेरेंट्स मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट रोल है इनका राइटर की जो ग्रैंड मदर थी डोना ट्रैंकुलना इगोर कॉट्स ये स्टोरी टेलर थी मतलब जब कैबरल गार्डिया मॉर्कस छोटे थे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे थे तो उस ड्यूरेशन में इनकी ग्रैंड मदर इनको स्टोरी सुनाया करती थी अबाउट घोस्ट जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कंटेन करती थी भूत के बारे में जिन के बारे में चुड़ैल के बारे में मीन सारी ऐसी स्टोरीज़ जो कि सुपर नेचुरल एलिमेंट को कंटेन करती थी अपने अंदर ऐसी कहानियाँ सुनाया करती थी और सुनाने का तरीका इस तरह से था कि वो रियलिस्टिक लगती थी उन स्टोरीज़ में मैजिक का एलिमेंट भी इंक्लूड था और वो स्टोरीज़ रियलिस्टिक भी लगती थी राइटर कहता है नो no मैटर कितनी वो अजीबोगरीब गरीब कहानी ही क्यों ना हो जो इनकी ग्रैंड मदर थी उनकी नरेशन ही ऐसी थी कि लिखता था सारा कुछ मतलब दिखता था सब कुछ सच है रियलिटी बेस्ड है तो राइटर अपने ग्रैंड मदर के उस स्टाइल से काफ़ी इम्प्रेस थे काफ़ी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर उस स्टाइल का तो वो स्टाइल जो था ग्रैंड मदर का वो बेस बना इनके वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड को कि तो इन्होंने उसी स्टाइल को अपनी इस नावल के अंदर भी यूज़ किया इन एडिशन इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के लिए एक वर्ड यूज़ किया सेंटेंस द सोर्स ऑफ द मैजिकल सुपरस्टिशियस एंड सुपर नेचुरल व्यू ऑफ रियालिटी तो ये जो इनकी राइटिंग में इनको इंस्पिरेशन मिली जो इनका सोर्स बना वो कौन थी इनकी ग्रैंड मदर थी किस चीज़ का सोर्स मैजिकल सुपरस्टिशन एंड सुपर नेचुरल व्यू ऑफ रियालिटी और इसके अलावा इन एडिशन जो इनकी ग्रैंड फ़ादर हैं जिनका नाम है क्लोनन निकोलस रिकार्डो वो गैब्रियल गार्शिया मार्क्विज़ को डिक्शनरी से डिफरेंट लेसन्स पढ़ाया करते थे और एक दिन ये अपने साथ गैब्रियल गार्शिया मार्कुस को यूनाइटेड फ्रूट कंपनी स्टोर में लेके गए जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम आइस बर्फ़ को देखा एंड इट सीम्स टू बी अ मेरिकल टू हिम वो इनको एक जादू की तरह एक मेरिकल की तरह लग रही थी तो इनको वो आइस बड़ी अट्रैक्ट की और इन्होंने उस आइस का इंसिडेंस जगह जगह कॉर्ड किया है और इनके रिस्पेक्टिव वर्क हम लोग जो 100 हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉरी टू उसके अंदर भी ये आइस का इवेंट देखेंगे कि जो लोग हैं वो आइस को देख रहे हैं और आइस को देख के बड़ा हैरान हो रहे हैं और देख रहे चीज़ क्या है ठंडी चीज़ क्या है और इन एडिशन यहाँ पर जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी मैंने यूज़ किया है ना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है क्या होता था बनाना प्लांटेशन हुआ करती थी कहाँ पे आर्कटका के अंदर ये वो जगह है जहाँ पे राइटर खुद रहा करते थे इन हिज चाइल्डहुड अब यहाँ पे बनाना प्लांटेशन हुआ करती थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो यहाँ पे वर्क करने वाले वर्कर्स थे लेबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो एकदम से इतने ज़्यादा थाउजेंड से भी ज़्यादा वर्कर्स को वहाँ पे मार दिया गया उसको बलाना मसकड़ का नाम दिया गया अब उनको जब मार दिया गया था तो उनको मारने के बाद उनकी वॉइस को सप्रेस्ट किया गया उनकी आवाज़ को दुबा दिया गया इवन के जो भी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये जो ख़बर थी ये लोगों तक तो ना पहुँचाई जाए लोगों तक ये वाली जो बातचीत है बनाना मसक्कर के बारे में वो ना पहुँचे और उसके अलावा जो हिस्ट्री थी उसके अंदर ये चैप्टर्स इंक्लूड थे उन चैप्टर्स को भी रिमूव कर दिया गया था फ़र्दर जब स्कूल्स के अंदर जो बुक्स पढ़ाई जा रही थी उनमें भी ये बनाना मा सक का चैप्टर इंक्लूड था और गैब्रल गशिया मार्कर्स बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ को कि वहाँ से भी उन चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया था तो इन शॉर्ट की जो जो ये इवेंट था उस इवेंट को बिल्कुल ही हिस्ट्री से रिमूव करने की पूरी पूरी कोशिश की गई और गैब्रल गार्डशा मार्कस उसी हिस्ट्री को अगेन अपने स्वर्क के अंदर ले के आते हैं बनाना प्लान्टशन के नेम से बनाना मकड़ करके इवेंट के नेम से तो इट मीन्स ये नावल एक हिस्टोरिकल नावल भी है अभी हमने क्या चीज़ देखी एक तो मैजिकल रियलिज्म के नॉवल बेस कर रहा है दूसरा इसके अंदर हिस्टोरिकल एलिमेंट्स भी हम देखेंगे हिस्ट्री बेस्ड नावल भी है अब इसके बाद एक और इवेंट कॉज बना इनका ये नावल लिखने के लिए हुआ क्या था कि जो कैबल गार्डिया गार्शिया मार्कोस थे वो उनकी वाइफ और उनके बच्चे ये सब अकेपुल में जा रहे थे ठीक है ये प्लेस का नेम है यहाँ जा रहे थे जाते हुए ये अपने बच्चों को कहानी सुना रहे थे और कहानी सुनाते हुए ही रियलाइज दैट ही हैड टू टेल ही स्टोरी द वे हिज ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल हर्स कि इनको अपनी भी कहानी सुनानी चाहिए बिल्कुल वैसे जैसे कि इनकी ग्रैंड मदर सुनाया करती करती थी एंड देट ही वॉज टू स्टार्ट फ्राम देट आफ्टर नून इन विच अ फादर टुक हिज चाइल्ड टू डिस्कवर आइस ठीक है उस जगह से उस पॉइंट जहाँ पर इसके फादर ने डिस्कवर करनी थी आइस को अपने चाइल्ड के साथ उन्होंने उस इवेंट को चूज़ किया यानी कि यही इवेंट इनके साथ हुआ था कि ग्रैंड इनको आइस डिस्कवर करने के लिए लेके गए थे ये खुद अपने बच्चों को लेके जा रहे थे अकेपोल्को में लेकिन वहाँ से उन्होंने सोचा कि इनको चाहिए कि अपनी स्टोरी शुरू करें और उस पॉइंट शुरू करें जहाँ पे एक फादर अपने बच्चों को आइस डिस्कवर करने के लिए ले लेके जाता है दैट इज़ वाई मैंने कहा था जो आयस का इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है फिर जब ये आइडिया इनके माइंड में आया तो इन्होंने जिस जगह जा रहे थे वहाँ जाने के बजाय वापस यूटर्न लिया और घर वापस जाके अपने आप को अपनी स्टडी के अंदर लॉक्ड कर लिया और वहाँ पे बैठ के उन्होंने लिखना शुरू कर दिया फिर एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये एक मैन्यू लेके निकले और इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट अपनी वाइफ को दिया और देन इन्होंने वो मे्यू पब्लिश करवाया जो था मेन्यू था हमारे रिस्पेक्टिव बुक अबाउट जिसका नाम है वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सोलिट्यूड इसके अलावा ये जो बुक है ये कंटेन करती है सम ट्रूथ मच फिक्शन इसके अंदर फिक्शन भी नज़र आता है यानी कि मैजिकल एलिमेंट्स और ट्रुथ भी नज़र आता है जो कि रियलिटी बेस्ड होता है ट्रुथ किस तरह से ट्रुथ एक इस से भी क्योंकि इसके अंदर जो राइटर है उनकी काफ़ी ज़्यादा पर्सनल एसोसिएशन है अगर राइटर ने खुद अपने चाइल्डहुड को जिस तरह का उन्होंने गुजारा है वैसे ना एक्सपीरियंस किया होता तो वो इस बुक को भी इस वे में ना लिख पाता जिस तरह से उन्होंने लिखा है और उनका ज़्यादातर चाइल्डहुड हुड कहाँ गुजरा आरकटका में गुजरा किसके साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड मदर स्टोरी सुनाया करती थी वो भी चाइल्डहुड का पार्ट है ग्रैंडफादर इनको लेके जाया करते थे सर्कस में ईच ईयर वो भी इनके चाइल्ड का पार्ट है इनके ग्रैंडफादर इनको यूनाइटेड फूड कंपनी में लेके गए उन्होंने आइस दिखाई सब कुछ मतलब जो भी आप इवेंट्स देखेंगे वो सब नज़र आएंगे हम लोगों इनके स्टोरी के अंदर भी इनके ग्रैंड भी कलोनल थे उसके अलावा हम देखेंगे इसके अंदर स्टोरी के अंदर इन्होंने कलोनल का करैक्टर प्रजेंट किया है हमारे आगे इनके चाइल्ड के अंदर वॉर हुई सिविल वॉर हुई लिबरल्स और कंजर्वेटिवस के दरमियान में हम देखेंगे यही वॉर

ठीक है तो आर कटकड़ा आरकटका की काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखाई गई हुई हैं मकोंडो के साथ वैसे तो मैकोंडो क्या है एक फिक्शनल सिटी दिखाई गई है अब एक फिक्शनल टाउन दिखाया है एक ऐसा टाउन जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीस है ठीक है अब होता है क्या है बेसिकली राइटर की एक बुक है इनकी ऑटोबायोग्राफी है लिविंग टू टेल द टेल इसके अंदर गैब्रल गार्शिया मार्कोज ने मार्कस ने मकोंडो के बारे में बताया कहता है जो हमारे राइटर है वो कह रहे हैं कि ही टुक द नेम मेकोंडो फ्रॉम अ साइन एट अ बनाना प्लांटेशन नियर आर्कटका कहते बनाना प्लांटेशन जहाँ पे हुई थी ना आर्कटका के बिल्कुल करीब वहाँ पे एक साइन था उस जगह पे मैकोंडो लिखा था उन्होंने वहाँ से वो टाइटल लिया उसके है उसके बाद कहते हैं ही ऑल्सो मैंशन द फैक्ट दैट मेकोंडो इज द लोकल नेम ऑफ द ट्री कैनलेसिया टनिफोलिया ठीक है ये उस ट्री का नेम है जो कि अरकटका नेम की एरिया में उगा करता था उसी ट्री से उन्होंने ये मेकोंडो का नेम लिया है ये तो पता लग गया हम लोगों कि मेकोंडो का नेम लिया कहाँ से है लेकिन हम नॉवल के अंदर देखते हैं कि एक फिक्शनल यूटोपियन टाउन दिखाया गया है यूटोपियन टाउन उसको कहते हैं जहाँ पे पीस हो हैप्पीनेस हो जैसे कि आप चाहते हैं वैसे की जगह ठीक है बिल्कुल वैसे की जगह यहाँ पे दिखाई गई एक स्मॉल आइसोलेटेड विलेज है फुल ऑफ पीस वहाँ पे इतना सुकून है कोई वहाँ पे भाग दौड़ कोई वहाँ पे जंग खाना जंगे वगैरह नहीं हो रही ठीक है अभी स्टार्टिंग पे ये दिखाया गया मैकॉनो के अंदर और इसकी पीस की वजह से जो जिप्सीज है वो काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हैं टूवर्ड दिस टाउन यहाँ पे कोई भी नहीं आता सिवाय जिप्सीज के जिप्सीज कौन होते हैं खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं जाते रहते हैं इनके पास कोई फिक्स प्लेस होती नहीं रहने के लिए तो ड्यू टू पीस इट अट्रैक्टेड द जिप्सीज इसके बाद क्या है आप देख सकते स्क्रीन के ऊपर ये मैंने बुक से कोटेशन ऐड किया यहाँ पे मैकोंडो वाज अ विलेज ऑफ ट्वेंटी एडोब हाउसेस यहाँ पे बीस हाउसेस थे जो कि मिट्टी के बने हुए थे बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑफ क्लियर वाटर दैट रैन अलोंग अ बेड ऑफ पॉलिशड स्टोन्स व्हिच वर वाइट एंड एनॉर्मस प्रीहिस्टोरिक एज द वर्ल्ड वाज सो रीसेंट दैट मेनी थिंग्स लैक्ड नेम्स एंड इन ऑर्डर टू इंडिकेट दर्ल्ड क्रिएट किया गया था मैकोंडो का ये अभी बिल्कुल न्यू वर्ल्ड था यहाँ पे कई चीज़ों के नाम भी नहीं रखे गए हुए थे और चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए इशारा किया जाता था यहाँ पर बताया इस कोटेशन के अंदर मेकोंडो के बारे में अब मैंने बात की जिप्सीज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिप्सीज आया करते थे और कोई भी नहीं था तो जिप्सीज कौन है खाना बदोश और जिप्सीज आते कैसे थे अपने साथ कोई ना कोई इन्वेंशन लेके नई इन्वेंशन लेके जो कि मॉडर्निटी को इंडिकेट करती है इन जिप्सीज का हेड जो था वो मेलकुट्स था मेलक्ट्स कौन था द लीडर अ हैवी जिप्सी विद एन अनटेम्ड बियर्ड एंड स्पैरो हैंड्स हु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज मेलक्ट्स ये भी एक कोटेशन है और ये जिप्सीज आते कब थे ये हर साल मार्च के मंथ में आते थे जैसे कि देखें every year during the month of March, a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettle drums, they would display new inventions. ठीक है? अब वो नए inventions कौन-कौन सी थी? उसमें magnets थे, telescopes थे, magnifying glasses थी। और इस सब inventions जो थी, वो Jose Arcado Buendia को बहुत ज़्यादा appeal करती थी। ये कौन था? ये बेसिकली हेड था इस मैकोंडो का यही वो पर्सन था जिसने मैकोंडो को बनाया था ही वॉज द फर्स्ट हु फाउंडेड द मैकोंडो जिसने मैकोंडो को पहले तलाश किया था कैसे किया था हम आगे डिस्कस करेंगे एनी हाउ इन न्यू इन्वेंशनस की बेस पे जो के मेलकोड्स लेके आया करता था इस टाउन के अंदर वो इन्वेंशनस काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग वन लगती थी जोजे अकाडियो बियोंडिया को और उसी बेस पे जोजे अकाडो बियोंडिया ने दोस्ती कर ली थी मेलकोट्स से क्या मेलकुट्स नई नई इन्वेशन ले आता है वो उससे वो इन्वेंशन ले लेगा अपनी कोई ना कोई कीमती चीज़ दे के और क्या करेगा वो इनसे ही वो इन्वेशन ले के अमीर हो जाएगा इनको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करके इवन के मेलकुड्स कहता है इनका कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन फिर भी जोजे अकाडोबियोडिया सुनता नहीं है कोई भी बात और वो उससे जो उसकी इन्वेंशन ले के आता है मैगनीट सल मैग्नीफाइंग ग्लासेस वगैरह ये सब कुछ ले लेता है और ये सोचता है कि मैं इनका यूज़ करके काफ़ी अमी तरीन आदमी बन जाऊँगा

ठीक है जो हम लोगों को स्टोरी को अंडरस्टैंड करने लिए के लिए काफी ज़्यादा जरूरी हैं तो हम देखेंगे स्टोरी के के अंदर राउंड अबाउट जनरेशन दिखाई गई हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन टोटल सेवन जनरेशन हम देखेंगे इस नॉवल के अंदर जिनके थ्रू बताया जाएगा कि हिस्ट्री कि हिस्ट्री साइक्लिक है हिस्ट्री रिपीट होती है हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराती है जहां जाओगे घूम फिर के हिस्ट्री वापस आएगी हिस्ट्री डज नॉट मूव इन साइकिल बट इन सर्कल्स ठीक है इस स्टोरी के अंदर ये बताया जाएगा इन सेवन जनरेशन के थ्रू और उन जनरेशन में सबसे पहली जनरेशन जो है वो है जोजे अरकारो ब्यूनिया जो कि हेड दिखाया गया है जिसके थ्रू फर्दर जनरेशन चलनी है और यही है फाउंडर मेकोंडो का इसी ने मेकोंडो को फाउंड किया था यही ये पेट्रार्क ब्यूडिया क्लान का और ये मैन है ग्रेट स्ट्रेंथ और क्यूरियोसिटी का साइंस के बारे में काफ़ी जो है ना क्यूरियस दिखाया गया है ये करेक्टर ये प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में काफ़ी पागल दिखाया गया मतलब साइंस को डिस्कवरी को इतना ये कोशिश करता है कुछ ना कुछ डिस्कवर करने का साइंस की तरफ घुसने का पढ़ने का नॉलेज गेन करने का कि इवन के साइंटिफिक काम करते 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 क्या है इसका मतलब ऑब्सेस दिखाया गया नॉलेज के लिए और एट द एंड क्या होता है ये अपनी लाइफ के बिल्कुल एंड की फेस पर मैड पागल हो जाता है इसी बेस पर ये लेटिन बोलना शुरू कर देता है बिल्कुल एंड पे जाकर मतलब अपनी लाइफ के एंड पे जाके और उसके बाद इसको बचाने के लिए लैटिन बोलना एक ऐसा एक्ट कंसिडर किया जाता है जो कि एक पागलवान पागलाना एक्ट है एक 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 क्योंकि लैटिन लैंग्वेज कोई भी उस टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था सिवाय प्रीस्ट के और इस बीस पर किया जाता है इसको कि मतलब अभी बिल्कुल पागल हो चुका हुआ है कहीं इसको कुछ हो ना जाए या लोग इसको मार ना दे तो क्या करते हैं खौफ से बचाने के लिए इसको एक बैक में यानी कि जो घर है घर के बैक में द्रख के साथ बांध दिया जाता है और वो जो दृत के साथ बांधना है ना बेसिकली ये क्रिश्चियनिटी के थीम को हाईलाइट कर रहा है लेटिन को बोलना भी क्रिश्चियनिटी की थीम को हाईलाइट कर रहा है इवन कि इसके करेक्टर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन थीम्स को हाईलाइट किया जाएगा स्टोरी के अंदर रिलीजियस थीम को हाईलाइट किया जाएगा कि ये एक कैमरा टाइप एक डिवाइस होती है उसको पकड़ के गोड के पीछे खींचने की कोशिश करेगा जिससे वो प्रूव करना चाहता है कि गोड एग्जिस्ट करता है और वो जब ऐसा नहीं कर जा कर पाता तो ये पागल हो जाता है ठीक है ये भी क्या चीज़ है ये साइंस वर्सेस रिलीजन की थीम को हाईलाइट कर रही है दोनों के क्लैश को हाईलाइट कर रही है ठीक है एनी हाउ हम देखते हैं कि स्टोरी के एंड पे इसको दरख्त के साथ बांध दिया जाता है और उसके बाद बताया गया इसके बारे में कि इसकी शादी उर्सला उर्सलाग्रान से होती है जो कि इसकी कज़न है और इसके जो बच्चे होते हैं उनमें जोजे अरकाडियो क्लोनल और बोन्डिया और अमरानता तीन बच्चे होते हैं और लेटर ऑन स्टोरी में एक और डॉटर अडॉप्ट जाती है जिसका नाम रबीका होता है ये रोल है स्टोरी के अंदर जोजे अरकाडियो बोइिया का एनी हाउ अब सवाल ये है मैंने बताया था हाउ डज द मैकोंडो फाउंडेड यहाँ से हमारी जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है ध्यान से सुनना है आपने कि मैकोंडो को कैसे फाउंडेड किया गया जोजे अरकाडो ब्यूनिया और उर्सिला ये दोनों कज़न्स थे और बिलोंग करते थे एक प्रोस्पेरियस विलेज से अब क्या हुआ था कि इनकी फैमिली में कहा गया था कज़न मैरिज नहीं करनी अगर कज़न मैरिज की तो कुछ ना कुछ गलत काम हो सकता है गलत काम मतलब बच्चा ख़राब पैदा हो सकता है जैसा कि स्टोरी में देखेंगे हम कि जब इन्होंने शादी की उर्सिला जो बड़ी खोफशुदा हो गई थी ये सोचते हुए कि इनका जो बच्चा है वो डिफॉर्म्ड ना हो और हॉरीबली डिफॉर्म्ड ना हो जैसे कि जब कज़न मैरिज की जाए तो मोस्टली उनके बच्चे डिफॉर्म्ड होते हैं उसी बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और फिर इसको टेंशन थी क्यों इसको टेंशन इसलिए थी क्योंकि जो थी उर्सिला उसकी अपनी जो आंट थी उनकी शादी होती है जोजे अरकाडियो ब्यूडिया के साथ और एज ए रिजल्ट जो उनका बच्चा होता है उसकी पिक टेल होती है अब उस पिक टेल की वजह से जो उर्सला होती है वो खुद बड़ी परेशान होती है इस चीज़ को सोच के कि हम भी कजेंस हैं हमारी भी शादी हुई है जो हमारी भी औलाद होगी उसकी भी पिकटेल ना हो तो उस पेस में करती है वो स्टडी बेल्ट पहन लेती है मीन्स अपना जो शादी के बाद रिलेशनशिप है उसको फर्दर कंटिन्यू नहीं रखती जिस पेस पे जितने भी विलेज के लोग थे वो जोजे अरकाडियो ब्यूडिया का मजाक उड़ाते हैं और उन विलेज के विजेस के अंदर एक पर्सन होता है जिसका नाम है प्रोडेंशियो अब प्रोडेंशियो और जोजे अरकाडियो ब्यूडिया की आपस में कुक फाइट हो रही होती है प्रोडेंशियो हार जाता है अब वो जब हार जाता है हारने के बाद जो है वो अर्कार्डियो का मजाक उड़ाने लग पड़ता है फिर अर्कॉडियो जो है उसको एक ड्यूल का चैलेंज देता है अब दोनों का मुकाबला होता है और उस मुकाबले में अर्कॉडियो गुस्से में आके प्रोडेंशियो को मार देता है प्रोडेंशियो क्या हो गया मर्डर अब जब प्रोडेंशियो का मर्डर हो जाता है तो उस मर्डर के बाद अर्काडियो वापस आता है घर पे और उर्सला के साथ अपनी रिलेशनशिप को फर्दर कंटिन्यू करता है काफ़ी टाइम इनका हैप्पीली गुजर जाता है लेकिन कुछ मंथ गुजरने के बाद उर्सला को प्रोडेंशियो का भूत नजर आने लग पड़ता है और जल्द ही वो जो भूत होता है वो उर्सला को और होजे ब्यूनिया को डराने लग पड़ता है जिसपे हौजिल और कार्डियो ब्यूडिया जो है काफी ज्यादा ना लाइक गिल्ड फील करने लग पड़ता है कि उसने उसको क्यों मारा और वो उस प्रोडेंशियो के घूस को घोस्ट को उसके भूत को सुकून देने के लिए करते हैं वो जगह छोड़ के चले जाते हैं ठीक है वो फैसला करते हैं कि वो विलेज छोड़ के चले जाएंगे और उस विलेज के अंदर एक कुछ लोगों का बैंड होता है जो कि कोशिश कर मतलब वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ विलेज छोड़ के जाएंगे जहां आप जा रहे हैं हम भी आपके साथ वहां पर जाएंगे अब ये लोग क्या करते हैं जिस विलेज में रह रहे हैं उस विलेज को छोड़ के नए विलेज की जा तलाश में नए प्लेस की तलाश में निकल जाते हैं अब वो जब नए प्लेस की तलाश में जा रहे होते हैं तो रास्ते के अंदर ना जो जोजे जो अर्कार्डियो ब्यूनिया है वो सो जाता है वो ख्वाब में एक प्लेस देखता है जो कि बड़ी खूबसूरत होती है पीसफुल प्लेस होती है उस वो प्लेस बिल्कुल मेकोंडो जैसी होती है जो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर सकी क्योंकि मेकोंडो कैसे है एनी ओ फिर उस प्लेस को ढूंढने की कोशिश करता है उसको प्लेस नहीं मिलती वो खुद से फिर एक प्लेस बना लेता है उस प्लेस का नाम होता है मेकोंडो तो आफ्टर फोर्टीन मंथ्स ऑफ वेंडरिंग इधर उधर घूमने के बाद दे फाउंडेड मेकोंडो उनको फिर मेकोंडो मिल जाता है पता लग गया क्या आपको मेकोंडो कैसे मिला था इनको कि ये सारा बैकग्राउंड था प्रोडूनशियो से फाइट होना फिर उसके बाद निकलना वहाँ से फिर ये जाके घूम फिर के घूम फिर के मेकोंडो में पहुंचते फाइनली फोर्टीन मंथ्स की सफरिंग के बाद तो हमने फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग देखे हमने फर्स्ट जनरेशन बेसिकली जो मेन रोल मेन कैरेक्टर्स देखे थे अभी एक उर्सुला का कारेक्टर था और दूसरा जोजे अरकार्डियो बियडिया का करेक्टर था वर्ड जोजे को होज़े भी बनाया जाता है एच ओ एस ई के साउंड के साथ अब हुआ क्या अब तो ये आ गए मेकोंडो में जब ये मेकोंडो में आ गए तो जोजे अरकार्डियो बियंडिया जो था ना वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट कर फाइंड आउट करने की कॉन्टेक्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है वो आउटसाइड वर्ल्ड को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन इतनी कोशिश के बाद को क्या होता है इनकी जो कोशिश होती है वो ज़ाया चल जाती है इनको कोई भी आउटसाइड वर्ल्ड नहीं मिलता तो थक हार के ये अपना इंटरेस्ट अपने दो बेटों में शो करने लग पड़ता है उनको उनका ध्यान देना उनके साथ खेलना उनके साथ टाइम स्पेंड करना अब दो बेटे कहाँ से आए बेसिकली जब ये मेकोंडो में आ गए तो मेकोंडो में आके उर्सला के और जोजे अर्काडियो बुंडिया के पहले दो बच्चे पैदा होते हैं एक अर्कारो सकिन और दूसरा और हम देखेंगे इनकी एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम अमरानता सला अमरानता होगा ठीक है तो कितने बच्चे हुए टोटल तीन नंबर वन अरकाडियो सेकंड जो कि इनका बड़ा बेटा है नंबर टू और जो कि इनका छोटा बेटा है नंबर थ्री अमरानता जो कि इनकी छोटी बेटी होगी ठीक है फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टोरी में फर्दर आगे जाकर ये एक डॉटर को अडोप्ट भी कर लेंगे जिसका नाम रिबिका होगा वो अडोप्ट कैसे करेंगे ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे अभी हम अर्कार्डियो और के बारे में बात करते हैं अरकार्डियो सेकेंड ये बिल्कुल अपने फादर की तरह की स्ट्रेंथ लगता है रखता है लेकिन इसकी इमेजिनेशन इसके अंदर इतनी नहीं है ऑन द अदर और जिसका अडल्ट नेम यानी कि बाद में जाके वो कलोनल औरलेनो ब्यूडिया बन जाएगा एनी हाउ तो जो जोजे जो अरकार्डियो ब्यूडिया यानी कि इनका फादर वो अपने दोनों बच्चों को मीन्स अरकार्डियो सेकेंड को और और को लेके जाता है एक फेयर में एक मेले में वो फेयर हमेशा मार्च के मंथ में लगा करता था और वो मेला लगता है किसका था जिप्सीज का जिप आते थे और आके मार्च के मंथ के अंदर फेयर यानी कि मेला लगाया करते थे अब ये तीनों वहाँ पे जाते हैं और तीनों वहाँ पे फर्स्ट टाइम आइस को देखते हैं और ये आइस को देख के बड़ा हैरान हो रहे होते हैं कि ये क्या है वो बर्फ़ को ठंडा केक सफ़ेद केक इस तरह से कह रहे होते हैं अब बेसिकली मैजिकल रियलिज़म में से जो फीचर्स है ना उसका एक फीचर ये भी है कि वो चीज़ जिसको हैरान होकर देखना चाहिए उसको हैरान होकर ना देखना

लेटर इन्होंने एक डॉटर अडॉप्ट की इसका नाम रबीका था इसके बाद स्टोरी में क्या होता है अरकार्डियो सेकंड अब हमारे पास अरकार्डियो सेकंड कौन है ये उर्सला और जोजे अरकार्डियो ब्योंडिया का बेटा है यंगेस्ट वन सॉरी एल्डर वन बड़ा वाला एंड पिलटेनरा अरकार्डियो सेकंड और पिलर पिलट जो है ना ये एक फॉर्चून टेलर है ठीक है जो फ्यूचर बताती है कार्ड्स के थ्रू और काफ़ी मैन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर चुकी हुई है अब कार्डियो सेकंड और पिलर टनरा जो है ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद यहाँ पे द जिप्सी गर्ल एक जिप्सी गर्ल आती है इनके टाउन के अंदर अर्कॉडियो सेकंड को वो जिप्सी गर्ल पसंद आ जाती है और अर्कॉडियो सेकंड उस जिप्सी गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करता है और बाद में पिलर टनैरा को छोड़ के अपने घर वालों को छोड़ के किसी को बताए बगैर उस जिप्सी गर्ल के साथ भाग जाता है अब अर्कॉडियो सेकंड भाग गया पीछे से उसकी जो मदर है उर्सिला वो अपने बेटे अरकार्डियो सेकेंड को ढूंढने के लिए कोशिश करती है इसी ड्यूरेशन में इनकी न्यू बॉर्न डॉटर होती है इसका नाम अमरानता रखा जाता है अमरांता को जोजे अरकाडियो बिउंडिया मतलब जो कि उर्सला का हस्बैंड है वो और जो कि उर्सला का बेटा है वो सेकेंड बेटा उनके पास छोड़ दिया जाता है अब जोजे अरका्डियो बियंडिया और औरलियानो अमरानता का ख्याल रख रहे होते हैं और घर का ख्याल रख रहे होते हैं और उर्सला जो है अपने सेकेंड बेटे अपने फर्स्ट बेटे यानी कि अरकार्डियो सेकेंड को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उर्सला को जो जो उसका बेटा है सेक, अरकारो अर सेकंड वो नहीं मिलता और फाइव मंथ्स लेटर वो वापस घर आ जाती है लेकिन पाँच माह बाद जब वो घर आती है उसको उसको बेटा तो नहीं मिला ना उसको जिप्सीज मिले लेकिन उसको एक रास्ता मिल जाता है जो कि इस मोकेंडो को मेकोंडो को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है जैसे कि पे लाइन देखें शी हैज़ डिस्कवर्ड द टू डे रोड थ्रू द स्वैम्प एंड लीड टू द आउटसाइड वर्ल्ड ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही हमारी कलोनियलिज्म शुरू होगी यहाँ से हमारी कोलोनाइजर एंड कोलोनाइज का कॉन्सेप्ट शुरू होगा और इधर से ही जो मैकोंडो के अंदर पीसफुल सिनारीो था वो ख़त्म होने वाला है ठीक है अभी हुआ क्या अर्कार्डियो सेकेंड था जो कि जोजे अर्कार्डियो ब्यूनिया का और उर्सला का पहला बेटा था उसने टाइम स्पेंड किया पिलर टनेरा के साथ फिर उसको पसंद आ गई जिप्सी गर्ल जिप्सी गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करके जिप्सी गर्ल के साथ वो भाग गया पिलर टनेरा पीछे रह गई अकेली उसकी माँ उसको ढूँढने गई माँ को वो मिला नहीं माँ वापस आई लेकिन माँ को क्या मिल गया आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन वाला एक रास्ता मिल गया अब जब उर्सला को रास्ता मिल गया उस दौरान क्या हुआ विलेज के अंदर

ए मोस्टली जो लड़के होंगी उनका नाम ओरिलियानो या अर्काडियो होगा जो लड़कियाँ होंगी उनका नाम उर्सिला अमरानता या रेमिडियस होगा ये जो वन टू थ्री में लगा रही हूँ ये आसानी के लिए लगा रही हूँ ताकि हम लोगों को जो करैक्टर है वो इजीली याद रहें तो एनी हाउ यहाँ पर क्या हुआ अर्कार्डियो सेकेंड ने जब पुलट ना के साथ टाइम स्पेंड किया था और बाद में भाग गया तो उसके भागने के बाद पिलर एक बच्चे को बर्थ बच्च देती है जिसका नाम अरकार्डियो रखा जाता है जो कि अरकार्डियो सेकेंड और पिलर टेनेरा का बच्चा होता है और पिलर यह बच्चा लेके बेसिकली व्यूडिया फैमिली के अंदर आ जाती है और वो फैमिली में उर्सला उर्सलाबारन इस बच्चे की भी अपब्रिंगिंग करती है अब कुछ टाइम गुजरने के बाद एक और इवेंट होता है वो क्या होता है कि कोई इन ब्यूंडिया फैमिली के डोर के ऊपर नोक करता है और वहाँ पे एक बच्ची रबीका नाम की बच्ची जिसका भी नेम नहीं है कोई भी नेम नहीं है एक बच्ची वहाँ पे छोड़ के चला जाता है उस बच्ची के पास जो है एक लेटर रखा होता है उस लेटर के ऊपर उसकी मदर का नाम लिखा होता है रबीका मॉन्टेल तो ये फैमिली ये करती है ये फैमिली इस ऑफन गर्ल को अडोप्ट कर लेती है और उस लेटर के ऊपर जो उसकी मदर का नेम लिखा हुआ होता है उसकी मदर के नेम पे इस बच्ची का नाम रबीका रख देते हैं अब रबीका की आदत क्या होती है हैबिट ऑफ ईटिंग अर्थ एंड वाइट वॉश ये अर्थ को खाती है और वाइट वॉश को खोती खाती है और इसको इंसोमिया नेम की बीमारी है इसको नींद नहीं आती और जब ये टाउन के अंदर आती है तो इसके आने से पूरे टाउन के अंदर भी इंसोमिया प्लेग फैल जाता है वो बीमारी फैल जाती है कि लोग भी सो नहीं पाते लोगों को मेमरी लॉस का प्रॉब्लम होने लग पड़ता है जोजे अकारिया जो है वो इस ओम्सो इंसोमिया प्लेग को खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन वो प्लेक खत्म नहीं कर पाते फिर मेलकुएट्स आता है जो कि हेड था जिप्सीज का उसके आने से वो आके ऐसे से काम करता है जिससे ये जो इंसोमिन प्लेक था वो खत्म हो जाता है और ये जब आता है तो अपने साथ एक डिवाइस लेकर इसका नाम है टाइप डिग्यूरियो टाइप इस डिवाइस का नेम है जो काइंड kind ऑफ of एक फोटोग्र फोटोग्राफी की एक डिवाइस है मतलब तस्वीर तो खींचने वाला एक आला तो क्या होता है ये अपने साथ ये डिवाइस भी लेके आता है जिसके अंदर फ़र्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो ब्यूंडिया फैमिली है उनकी पिक्चर को क्लिक किया जाता है कि फैमिली इकट्ठी बैठी है और उनकी तस्वीर तो खींची जाती है अब जो 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 अरकाडियो ब्यूंडिया आना वो बड़ा ऑफसेस्ट हो जाता है इस डिवाइस के साथ वो कहता है मैं इस डिवाइस को यूज़ करूँगा और यूज़ करके गोड़ की पिक्चर खींचने की कोशिश करूँगा इन ऑर्डर टू प्रूव हिज एग्जिस्टेंस उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए एनी हाउ एक तरफ जोजे अर्कार्डियो ब्यूडिया जो है वो गोड की पिक्चर्स खींचने की कोशिश करने में लग जाता है और दूसरी तरफ जो है और वो बड़ा हो जाता है हमने भी स्टोरी डिस्कस की थी अर्कार्डियो सेकेंड की वो भाग गया था पिलटनेरा आई पिलटनेरा के बाद जी हमारे पास आ गया उसका बेटा पिलटनेरा का बेटा आने के बाद रेबिका भी आ गई अब क्या हो रहा है जी और और इलेनो बड़ा हो गया है और इलेनो को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है रेमिडियस रेमिडियस एक मजिस्ट्रेट की बेटी है जिसका नाम है डॉन ऑपुलनर मोस्कॉट ये बेसिकली एक न्यू सेटलर है एक न्यू पर्सन है जो कि मैकोंडो के अंदर आया है ये एक कंजरवेटिव पार्टी से बिलोंग करता है यानी पे मैंने दिखाया था ना कंजरवेटिव वर्सेस लिबरल्स इनकी फ़ाइट होगी तो ये कंजरवेटिव पार्टी से बिलोंग करता है उनका हेड है और इसके अलावा इसकी सात बेटियाँ उनमें से रेमेडी है सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र नौ साल है जो कि बहुत छोटी है और और रेमेडी से शादी करना चाहता है औरिलियनो बड़ा डिप्रेस है क्योंकि रेमेडियस छोटी है तो औरिलियानो एक दिन काफ़ी बीमार होता है और वो पिलर उसको अपने पास ले आती है फिर और पिलर आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और पिलर जो है वो प्रॉमिस करते हैं और से कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात रेमेडियस से जरूर करेगी अब इसके बाद सारा मामला जो है वो रेमेडियस के फादर तक लेके जाया जाता है डॉन ओपिलर के साथ तो डॉन ओपनर तो कहता है कि मेरी सात बेटियाँ हैं छः बेटियाँ और भी हैं जो कि बड़ी हैं और वो शादी के करीब है तो तुम उनसे शादी कर लो लेकिन ये औरलेन कहता है नहीं वो शादी रेमेडियस से ही करेगा एनी हाउ उसका फादर जो है वो मार जाता है और वो कहता है कि जब ये पबर्टी की एज में पहुंचेगी तब तुम इसके साथ शादी कर सकते हो अब यहाँ पे स्टोरी में रेमिडियस के बड़े होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि और इसके साथ शादी कर सके दूसरी तरफ मूनिया फैमिली की दो डॉटर्स अमरानता और रिबिका इन दोनों को पिट्रो क्रिपसी क्रिस्पी नेम का एक इटालियन लड़का उससे प्यार हो जाता है पिट्रोक्रिस्पी एक इटालियन है जो कि एक प्यनिस्ट भी है अमरानता चाहती है कि पीट्रो किस पर उसको पसंद करे रबीका चाहती है उसको पसंद करे लेकिन पीट्रो जो है वो रबीका को पसंद करता है अमरानता को इग्नोर कर देता है और यहाँ पे ये जो पीट्रो और रबीका है इन दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है और उसके बाद इनकी शादी की बात की जा रही है तो अमरानता कहती है कि जब तक मैं नहीं मरूँगा तब तो तक इनकी शादी नहीं होगी फिर अमरानता कहती है जब तक चर्च नहीं बन जाएगा तब तक इनकी शादी नहीं होगी मतलब इनकी शादी को फर्दर डिले डिले ही किया जाता है बार बार स्टोरी के अंदर एनी हाउ इसमें जो मेलकुट्स था जिप्सी उसकी डेथ हो जाती है और यह मेकोंडो के अंदर सबसे पहला पर्सन था जिसकी डेथ होती है ठीक है और ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे बड़ा डेथ किसकी हुई मेकोंडो के अंदर तो मेलकुड्स की हुई थी और जब इसकी डेथ हुई थी तो यहाँ पे कोई भी ग्रेव नहीं था और फिर सबसे पहले जो ग्रेवयार्ड बनाया गया यानी कि ग्रेव बनाई गई वो मेलक्वेड्स की बनाई गई बनाने वाला जोजे आरकाडियो ब्यूनिया था इन सब का फादर यानी कि इन बच्चों का फादर और और उसके बाद और कार्डियो सेकेंड अमरांता रबीका इन सब का फादर जो था ना उसने पहले ग्रेव बनाई थी मेकोंडो में मेलकुट्स के लिए अब इसकी डेथ हो गई फर्स्ट पर्सन टू डाई ऑन द अदर हैंड स्टोरी में जो ऑलिलनो और, और रेमिडियस थे ये गेटिंग क्लोजर करीब होते जा रहे थे आहिस्ता आहिस्ता औरिलियनो उसको स्कूलिंगस भी दे रहा था मतलब टीचिंग भी कर रहा था उसको पढ़ा भी रहा था और काफ़ी टाइम काट स्पेंड भी कर रहे थे और इसके साथ साथ स्टोरी में रबीका और क्रिस्पी दोनों की इंगेजमेंट भी हो जाती है और हमने स्टोरी में देखा के और इलियानो ने पलर डनेरा के साथ टाइम स्पेंड किया था तो इस बेस पे जो पिलर है वो एनदर चाइल्ड को बर्थ देते इसका नाम और जोजे रखा जाता है तो पिलर से अब तक दो चिल्ड्रन आए एक अरकार्डियो और दूसरा औरिलियनो जोजे ठीक है अरकार्डियो जो था वो अरकार्डियो सेकेंड और पिलर का बच्चा था और जो था वो और पिलर का बच्चा है और ऑन द अदर हैंड स्टोरी में हमने देखा कि जो जोजे जो अरकार्डियो ब्यून था वो कोशिश कर रहा था गॉड की पिक्चर खींचने की अब वो जब नहीं कर पाता आफ्टर फेलिंग टू अपटेन अ डोग्राफी ऑफ गॉड क्या करता है अब ये ना मेंटली तौर पे साइकोलॉजिकल तौर पे काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करने लग पड़ता है और ये पागल हो जाता है और इसको फिर साथ ही साथ ना जो प्रोटेंशियो था उसको भी दोबारा से भूत नजर आने लग पड़ता है इसको ये जो प्रोटेंशियो का भूत देखता है अपनी लैब के अंदर तो इतना ज़्यादा अपसेट होता है कि ही बिकम मैट ठीक है वो पागल हो जाता है पागल होने के बाद वो लैटिन बोलने लग पड़ता है और जब वो लैटिन बोलने लग पड़ता है तो लोग क्या करते हैं इसको बचाने के लिए स्पेशली उर्सला क्या करती है कि इसको फैमिली बैकयार्ड में एक दख्त के साथ लटका देती है इसके मरने तक अब ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है रेमेडियस जो है वो बड़ी हो गई है अब रेमेडियस और ओरिलियानो और इन दोनों की शादी हो जाती है जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो जो रेमेडियस है वो पूरे घर को बड़े अच्छे से देखती है रेमेडियस जो बास्टर्ड चाइल्ड है कि इनका पिलर टर्नरा का और ऑरिलानो का जिसका नाम और जोजे रखा गया वो उसका भी ख्याल रखती है वो पूरे घर को पूरे सिस्टम को काफ़ी अच्छे से देख रही होती है लेकिन ऑन द अदर हैंड के जब ये चाइल्ड बर्थ कर रही होती है उस ड्यूरेशन में इसकी डेथ हो जाती है जैसे कि देखें और कहता है फाउंड इन हर दस जस्टिफिकेशन दैट ही नीडेड टू लिव कि इसको सब कुछ मिल गया इसके अंदर जो कि जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है किस में रेमेडीस के अंदर लेकिन ये एक ग्रेट ट्रेजेडी होती है फॉर औरलियनो कि जब उसके पेट में ट्विन होते हैं और उस बेस पे क्या होती है उसकी सामिक पेन की बेस पे डेथ हो जाती है तो यहाँ पे रेमेडीज की भी डेथ होगी ऑरिलियनो फिर से अकेला रह गया ऑन द अदर हैंड्रेबिका और पेट्रो क्रिस्पी इनकी शादी होने वाली होती है मतलब जब भी शादी आती है कोई ना कोई बीच में ट्विस्ट आ जाता है और अब क्या अब इनकी शादी होने वाली है तो ट्विस्ट क्या हुआ अरकाडियो सेकेंड जो कि भागा था जिप्सीज़ के साथ वापस आ गया और इस बार जब ये वापस आया तो काफ़ी जंगली हालत में आया इसके ऊपर डिफरेंट टैटूज बने हुए हैं क्योंकि जिप्सीज़ के साथ रह के आया जंगलों में रह के आया खाना बदोशों की तरह इस तरह से अपनी इसकी जो कंडीशन है वो भी बिल्कुल वैसी हुई है लेकिन स्टिल ये काफ़ी हैंडसम लुकिंग रखता है काफ़ी हैंडसम लुक्स रखता है आज जब अरकाडियो सेकंड वापस आता है तो अरकाडियो सेकंड को रेबिका पसंद आती थी रिबिका को अरका्डियो पसंद आ जाता है और ये दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और रेबिका कहती है कि वो पेट्रो पीट्रो किस शादी नहीं करेगी अब पेट्रो का दिल टूट जाता है पेट्रो जो है फिर वो अमरानता के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है काफ़ी ये आपस में बातचीत करते हैं फिर ये पेट्रो जो है अमरानता को प्रपोज करता है लेकिन अमरानता अब उसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि पहले पेट्रो ने अमरानता को रिजेक्ट किया था इसीलिए जब अमरानता इसको रिजेक्ट कर लेती तो पेट्रो उसने सुसाइड कमिट कर लेता है जब पीट्रो सुसाइड कमिट कर लेता है तो इमरानता काफ़ी ज़्यादा ना आ, गिल्ट फील करती है इसको काफ़ी दुख होता है ये अपना हाथ जला लेती है अपने हाथ के ऊपर एक बैंडेज बांध लेती है मॉर्निंग बैंडेज जो जिसको थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर बांध के रखती है अपने बाजू पर ऑन द अदर हैंड जो और अकेला रह गया था रेमेडिस के डेथ के बाद ये एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है पहले तो ये डॉन ऑपुलनर जो कि रेमेडिस का फादर था उसके साथ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है जो डॉन अपलर था उसकी पार्टी कंजरवेटिव पार्टी थी ये पहले उसके साथ लड़ता है लेकिन जब ये देखता है कि जो कंजरवेटिव पार्टी है वो मेकोंडो के अंदर अपना पूरा कंट्रोल ओवर करना चाहती है वो मेकोंडर मेकोंडो को कंक्विस्ट करना चाहती है ठीक है मतलब ये देख रहा है कि जो कंजरवेटिव पार्टी है वो आके अपना कब्जा जमा रही है कोलोनाइज कर रही है मेकोंडो को और खुद कोलोनाइजर्स बन रही है तो इस डी इस सिचुएशन पे इसको क्या होता है डिसमेंट होती है यानी कि ये रियलाइज़ करता है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो अच्छी पार्टी नहीं है तो ये उस पार्टी को छोड़ देता है और ये लिबरल्स की पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और जब ये लिबरल्स की पार्टी को ज्वाइन करता है फिर ये लिबरल्स के लिए लड़ता है वहाँ पर और खुद जब ये लिबरल्स के लिए लड़ रहा होता है तो उस ड्यूरेशन में ये अरकार्डियो जो कि पिलर और अरकार्डियो सेकेंड का बेटा था अरकार्डियो उसको कहता है कि तुमने मैं को अपनी प्रोटेक्शन में रखना है तुमने मेकोंडो के अंदर पीस को बरकरार रखना है कंटिन्यू रखना है स्टेबल रखना है मेकोंडो के अंदर पीस को तो एनी हाउ जब और वॉर के लिए निकलता है तो जिस ड्यूरेशन में वॉर में रहता है तो उसको सेवनटीन चिल्ड्रन होते हैं सेवनटीन के सेवनटीन बच्चों का नाम और रखा जाता है और ये सत्रह बच्चे इसको सतरह अन वमन से होते जो कि इसको ड्यूरिंग वॉर बारी बारी मिली थी और जो उर्सला होती है और की जो मदर होती है यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो बिलोंग कर रही है वो इन सेवनटीन के सेवनटीन बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हैं यानी कि ख्याल रखते हैं उनका अब और जब यानी कि अभी क्लो, क्लोनल बन गया ना ये जो क्लोनल औरलेनो है जब यह वॉर में था लिबरल्स के साथ लड़ा इसने कंजर्वेटिव के साथ लड़ा तो क्या होता है ये उस वॉर के अंदर रियलाइज़ करता है कि जो लिबरल्स है वो भी अच्छे नहीं है जो कंजर्वेटिव वो भी अच्छे नहीं है यानी कि ये डिसलियन होता है वॉर से यहाँ पर इवन के और से फोर्सफुली

इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं आगे स्टोरी में अभी हम देखेंगे कि जो वॉर चल रही थी वो यानी कि अभी जब सिविल वॉर मैंने कहा ना एंडेड हो जाती है तो इसे फोर्सफुली साइन करा जाता है पीसफुल एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट से पहले क्या हो रहा है उस एग्रीमेंट से पहले लिबरल्स जो हैं वो डिफ़ीट होती हैं उनकी और उसके बाद जब लिबरल्स की डिफ़ीट होती है वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको गुलाम बना लिया जाता है उनको मारे मारने लग पड़ते हैं और उनके अंदर और भी शामिल होता है जब और को वो मारने लगते हैं तो औरडियो सेकंड होता है जो आके और को बचाता है और जब यहाँ पे और को बचा लिया जाता है इसके बाद और वापस आता है मैकॉन्टों में, में तब शुरू करता है वो गोल्ड की मछलियाँ बनाना और इससे पीसफुल एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है ठीक है ये वाला काम हो गया इसके बाद जो है आर्कोडियो सेकेंड ठीक है अगेन जब अयरब ग्रांड्स में जाता है तो वहाँ पे ये एक मिस्टीरियस फैशन में इसकी डेथ हो जाती है इसको किस तरह मारा गया स्टोरी में वो नहीं बताया गया तो अब देखा हमने आर्कैडियो सेकेंड की भी डेथ हो जाती है जो कि सेकेंड जनरेशन से बिलोंग कर रहा था जो कि और का भाई था जो कि उर्सिला और जोजे आरकाडियो बिउंडिया का पहला बेटा था इसकी भी डेथ हो गई इसकी डेथ के बाद रबिका काफ़ी ज़्यादा अफसरदा काफ़ी ज़्यादा अफसोस गमगीन दुख में आ जाती है और अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेती है बिरड हर सेल्फ अलाइफ जिंदा ख़ुद को दफना लेती है एक कमरे के अंदर एक घर के अंदर ग्रीफ के साथ डिस्पॉन्डेंसी के साथ और जो टाउन है वो इसके बारे में भूल ही जाता है अब है नहीं आओ जो ओलिलनो ब्यूंडिया था वो एक मिशन पे होता है मतलब वो घर से मैकोंडो से बाहर गया होता है ओलिलनो ब्यूडिया कौन रोजे अर, सॉरी अर्कार्डियो सेकंड का भाई जो कि कलोनल बन चुका हुआ था अभी जब घर से बाहर होता है तो ये अपनी मदर को एक प्रोफेटिक मैसेज सेंड करता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो जोजे अरकॉडो ब्यूडिया है ना वो इज़ गोइंग टू डाई वो मरने वाला है वो प्रोफेटिक मैसेज भेजता है अपनी मदर को और इसकी मदर जाके देखती है अपने हस्बैंड को यानी कि उस जाके देखती है जोजे अरकॉडो बी को जिसको उसने दक के साथ बांधा हुआ होता है वो उसको दग से खोलती है घर पर लेके आती है और जोजे अरकॉडो बी कोई ना कोई ये जीबोग्रीफी सी बातें करता रहता है कोई ना कोई जीबोग्रीफी लैंग्वेज बोलता रहता है वो बातें करते करते उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो जोजे आरकार्डियो ब्यूंडिया उसकी भी डेथ हो गई और इसके बाद जो जोजे जो ओलिलियनो जो जो जोजे था ऑलिलो और बंडिया का और पलेटर नेरा का बेटा उसकी भी डेथ हो जाती है उसको जो कंजर्वेटिव सोल्जर होते हैं वो मार देते हैं यानी कि अब तक हमने देखा प्रोडेंशियो की डेथ हुई थी फिर मेल्कवेट्स की डेथ हुई थी उसके बाद रेमिडियस की डेथ हुई रेमिडियस के बाद आरकार्डियो सेकेंड की भी डेथ हो गई अर्कॉडी सेकंड के बाद जोजे अर्कॉडियो ब्यूडिया की भी डेथ होगी जो कि अर्कॉडी सेकंड का फादर था फिर उसकी डेथ के बाद यहाँ पे जो अरिलेनो जोजो है औरलानो जोजो है कौन पिलर टर्नेरा और, और का जो बेटा था उसकी भी डेथ हो जाती है उसको मारा किसने कंजर्वेटिव सोल्जर्स ने और जो कलोनल और ब्यूडिया है वो खुद को मारता है सुसाइड करने की कोशिश करता है ख़ुद की चेस्ट के ऊपर शूट करके लेकिन वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव बस जाता है और हमने देखा था अर्काडियो बिगिनस एन अफेयर विद लोकल गर्ल सोफिया। अब अर्काडियो का अफेयर शुरू हुआ था सोफिया के साथ तो अर्काडियो की सोफिया से तीन बच्चे होते हैं दो ट्विन बॉयज़ होते हैं और एक डॉटर होती है जो ट्विन बॉयज होते हैं उनका है। नाम अर्काडियो सेगुंडो रेमेडिय सॉरी और, और सेगुंडो ये रखा जाता है ये ट्विन बॉयज़ का नेम था और रेमेडीज द ब्यूटी इनकी बेटी का नाम रखा जाता है जो अर्कार्डियो सेगुंडो होता है जो अर्कार्डियो सेगंड है वो प्लाना प्लान्टशन पर काम करता है और इनके जो फादर और कार्डियो होता है अर्कार्डियो के उसके बच्चे देखने से पहले ही डेथ हो जाती है किसी जंग के अंदर एक वॉर में था उस वॉर के अंदर ही उसकी अर्कार्डियो की डेथ हो जाती है ठीक है अब हमने देखा अर्कार्डियो की भी डेथ हो गई और अर्कार्डियो ने डेथ से पहले विश की थी कि मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम पे रखा जाए ठीक है इसीलिए इसके बेटे का नाम अरकार्डियो सेगंडो रखा गया था एनी हाउ अर्कारडियो सेगंडो रेमेडीज से ब्यूटी और रिलेनो सेगंडो ये तीन बच्चे इसके होते हैं जो कि इसकी डेथ के बाद ही पैदा हुए इसने अपने बच्चों को नहीं देखा इनमें से एक बच्चा यानी कि जो रेमेडीज थी वो डेथ से पहले पैदा हो जाती है अब अर्कार्डियो सेगंडो जो है वो ब्लाना प्लांटेशन पे काम कर रहा है अनदर हिस्टोरिकल प्लेस वहां पे जब ये काम कर रहा है उस जगह पर स्ट्राइक शुरू हो जाती है हज़ार के करीब वर्कर्स को मारा जा मारा जाता है थ्रू मशीन लेकिन ये बच जाता है और ये बच के वहाँ से भाग कर मैकोंडो के अंदर वापस आ जाता है और वापस आके खुद को छुपा लेता है ऑन द अदर हैंड जो उसका दूसरा बेटा है सेंटा सोफिया का और इलेनो सगंडो उसको पेट्राकोट से प्यार हो जाता है ये दोनों काफ़ी हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं लेकिन अचानक ही और को फर्नेंडा मिलती है उसको फर्निंडा से प्यार हो हुझे, जाए हो जाता है फर्निडा काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है रिलीजियस वुमेन स्ट्रिक्ट रिलीजियस वुमेन होती है ये काफ़ी अपर क्लास से भी बिलोंग करती है लेकिन औरलैनो सगंडो की और फर्निंडा की आपस में इतनी बनती नहीं इतनी बॉन्डिंग नहीं होती तो और वापस को छोड़ के पेट्रा कोट के पास चले जाता है अब और फर्निंडा के, के फर्दर तीन बच्चे होते हैं एक का नाम अरकाडियो थर्ड दूसरा नाम रेनाटा रेमेडी जिसका नाम मेमे है और थर्ड का नाम अमरानता और दो बेटियाँ एक बेटा पैदा होता है फर्नेंडा का जो इसकी एक बेटी मेमे होती है वो क्या करती है उसको मुरोशियो बेबलियोना के नेम से एक मैकेनिक होता है जो कि बनाना प्लांटेशन के लिए काम कर रहा था उससे प्यार हो जाता है फर्नेंडा को ये चीज़ सख्त पसंद होती है वो बेबलियोना को मरवा देती है मेमे का एक बेटा पैदा होता है मेमे और बेबलियोना इन दोनों का एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ओरिलियानो रखा जाता है और उस बेटे की बर्थ के दौरान जो मेमे हैं उसकी डेथ हो जाती है अब क्या हुआ फर्नांडा ने मरवा दिया बबलियोना को ये भी मर गया और बर्थ के दौरान बेटे की मेमे भी मर जाती है बचा कौन अकेला बेटा अब अमरानता उर्सिला जो कि तीसरी बेटी है फर्नांडा की ठीक है अमरानता उर्सला की शादी होती है गेटसन के साथ लेकिन इन दोनों को, को कोई हैप्पी टाइम नहीं गुजरता अमरानता गेटसन को छोड़ के वापस आ जाती है अब जब अमरानता वापस आती है तो उसको नहीं पता कि जो ओरिलियानो है वो इसका नेफ्यू है कि ओरिलियानो मेमे का बेटा है इसको नहीं पता ओरिलियानो को अमरानता सिला पसंद आने लग पड़ती है और अमरानता को भी नहीं पता कि जो euh, सॉरी ओरिलियानो को भी नहीं पता कि अमरानता उसकी खाला है ठीक है उसकी आंट है नहीं पता ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग पड़ते हैं ऑन द अदर हैंड जो अरकाडियो थर्ड था इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिखाया गया आगे आगे मेन स्टोरी जो फोकस की गई वो अमरानता और, और के ऊपर फोकस की गई है कि दोनों खाला भा खला और भांजा यानी कि ओरिलियानो और अमरानता और, और सला एक दोनों दूर, दूसरे को पसंद करने लग पड़ते हैं और जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है इनका एक बच्चा पैदा होता है और जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस ड्यूरेशन में ड्यू टू हैमरेज जो अमरानता उर्सिला उसकी डेथ हो जाती है अब कौन क्या बचा अब कौन बचा एक और बचा और एक उनका बच्चा बचा ये दो लोग बचे और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये बारिश कब हुई थी जब बनाना प्लांटेशन हुई थी ना बनाना मसाकर हुआ था ना उस ड्यूरेशन में बारिश हो रही थी जो कि पाँच साल तक बारिश कंटिन्यू रही थी एनी हाँ अब बारिश हो रही है और बचा कौन और, और एक बच्चा अकेला ठीक है और वो जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की तेल पिक की तरह की होती है मीन्स जो बच्चा पैदा हुआ उसकी एक पिक टेल भी है अब और क्या होता है दुखी होता है वो बैठा मेलकुट्स की लैब के अंदर बैठा होता है और उसने एक पर्चमेंट दिया था एक बुक दी थी उस बुक को पढ़ रहा होता है वो बुक मिलती है और इलेनो को उस लैब के अंदर बैठे हुए और उस उस बुक के अंदर बताया गया था कि इनकी फैमिली के साथ ये ये होगा वो सारा कुछ वो पढ़ रहा होता है उस बुक के अंदर और इसी ट्यूशन में क्या होता है जो बच्चा होता है उस बच्चे को कीड़ियाँ खा जाती हैं और उस बुक के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है कि वो ये भी नहीं नोट कर पाता कि बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है इतनी तेज़ आंधी चल रही है कि जिस बेस पे जो इनका घर है वही ज़मीन से ख़त्म हो जाता है जो मेकोंडो है अरेस्ट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ के मेकोंडो भी वहाँ से ज़मीन पे मेकोंडो का भी नामो निशान बाकी नहीं रहता वो जो मेलकुट्स की बुक थी वो बेसिकली इनकी जो मीडिया फैमिली है उनकी हिस्ट्री के अबाउट होती थी उनके फ्यूचर के अबाउट थी कि इनके साथ ये ये होगा और बुक के एंड पे ये मेंशन था के जो ब्यूनिया फैमिली है उनको कभी भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा दैट द हिस्ट्री ऑफ द ब्यूनियाज हैज़ बीन ऑडिनड एंड सिंस द बिगनिंग एंड द दैट दे विल नेवर हैव अ सेकंड चांस कभी भी उनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा तो बुक के एंड पे अकेला ऑडिलो बचा जो कि अब्जोर्व था बुक की रीडिंग के अंदर और इसी ड्यूरेशन में जो रेड आर्ट्स आई और वो आके इनके जो पिक टेल चाइल्ड था उसको भी खा गई और इस तरह से जो सारी नस्ल थी जो जनरेशंस थी बीढ़ियाँ फैमिली की वो ख़त्म हो गई और जो और सेकेंड था वो डीप डिप्रेशन के अंदर चला जाता है और वो जो डिप्रेशन के अंदर बुक पढ़ रहा होता है तो अचानक मैंने बताया एक आंधी आती है और कुछ भी बाकी नहीं रहता इसमें जो थीम था वो सोल्यूड का था सोल्यूट्यूड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है टाइम का थीम था इंसेस्ट का थीम था मैजिकल रियलिज्म, रिलीजन सिविलाइजेशन इसके बाद प्लेग पॉलिटिक्स द बुक ऑफ जेनेसिस मॉडर्निटी फीमेल सेक्सुअलिटी सेंस ऑफ एलिस्टमेसी यूज़ ऑफ़ प्रोफेसी उसके बाद वॉर कॉलोनाइजेशन ये सब इसके इम्पॉर्टेंट थीम्स थे और करैक्टर इसमें उर्सला का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर साथ अब तक दुआ में खास याद रखिएगा थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाफ